अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में आज 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए कोविड वैक्सीन की वैक्सीनेशन की गई। रजिस्ट्रेशन करवाने आए बुजुर्गों को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर कोविड का वैक्सीन दिया गया। कोविड वैक्सीन के इंचार्ज डॉक्टर विशाल गुप्ता ने कहा कि बुजुर्गों के लिए आज वैक्सीनेशन की जा रही है, हमारे पास दोनों वैक्सीन उपलब्ध है, बुजुर्गों की इच्छा के मुताबिक उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वहीं जिन बुजुर्गों ने इंजेक्शन लगवाया उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए लोगों को भी इंजेक्शन लगवाने का संदेश दिया। आज देख रहे हैं आप यहाँ पर कि कोविड 19 वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। जब सुबह हम लोग यहाँ पर ड्यूटी पर आए तो हमने देखा कि कम से कम यहाँ पर 30-40 बुजुर्ग अपने रजिस्ट्रेशन का और बारी का इंतजार कर रहे थे। बिकॉज जैसे न्यूज़पेपर में आया कि आपकी एट द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होकर वैक्सीन लग जाएगी, तो हमने यहाँ पर पहले से ही सेपरेट काउंटर बनाए हुए थे जिन लोगों को सेकेंड डोज लगनी है या जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगनी है। तो हमने फर्स्ट डोज के लिए एट द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके और उनकी वैक्सीनेशन कराई। जिनको सेकेंड डोज लगनी है उनकी फर्स्ट डोज की वेरिफिकेशन करके और उनको सेकेंड डोज लगवा रहे हैं। आज कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है यहाँ पर, हमने रिजर्व में कोवैक्सीन भी रखी हुई है। जो लोग कोवैक्सीन के लिए विलिंग है उनको कोवैक्सीन लगा रहे हैं और जो कोविशील्ड के विलिंग है उनको कोविशील्ड लगा रहे हैं। आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसको लेकर आज सुबह से ही नागरिक अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। कोरोना वैक्सीन का आज से दूसरा चरण शुरू हो गया। इस कड़ी में आज अम्बाला में भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी टीम के साथ वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया। सुबह से ही अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल में टीका लगवाने वाले लोगों की भीड़ लग गई। इसमें 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। टीका लगवाने आए 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों ने बताया कि उन्हें आज इंजेक्शन लग गया है और वे बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। वे लोगों से भी अपील करते हैं कि वे जल्द ही ये इंजेक्शन लगवाएं। अभी सुबह सुबह वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है और मैं आधे घंटे से यहीं पर हूँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं सभी को अपील करता हूँ कि आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और कोरोना मुक्त करें। मेरी उम्र 78 ईयर्स है, मैंने आज अपना कोविड-19 का इंजेक्शन लगवाया है। मैं बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ, मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि जो भी भाई इस चीज़ सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। मेरी उम्र 67 साल है, आज मैंने कोविड-19 का इंजेक्शन लिया है, ठीक ठाक महसूस कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।